जेसी नगर थाना अंतर्गत ग्राम अगरिया के पास पड़ने वाली पुलिया पर खून से सनी लाश मिलने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और वहीं पुलिस नई पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जेसी नगर थाना प्रभारी संतोष भदौरिया ने बताया कि 28 अक्टूबर की रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम अगरिया की पुलिया के पास लाश पड़ी हुई है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। जिस पर पुलिस ने सूक्ष्मता से जांच की तो जानकारी लगी कि मृतक राजू आदिवासी 28 अक्टूबर को जेसी नगर में लगने वाले गोवर्धन मेला देखने गया था और उसके साथ आरोपी आकाश उर्फ अक्कू आदिवासी भी साथ में था। मामले की सूक्ष्मता से जांच की तो जानकारी लगी कि मेले से लौटते वक्त पुलिया के पास मृतक राजू और आरोपी आकाश उर्फ अक्कू ने शराब पी और किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिस पर आरोपी आकाश उर्फ अक्कू ने मृतक राजू आदिवासी को धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गया और सर में पत्थर दे मारा, जिससे राजू आदिवासी की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने हत्या की वारदात को भी कबूल लिया है। पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। दिनांक 28 तारीख को गूगल टोरिया पे मेला लगता है, जिस नगर में अब मेला लगता है, सभी लोग आसपास के लोग आते हैं गाँव से। उस दिन शाम के टाइम 8 बजे की सूचना मिलती है, एक आदमी की बॉडी अगरिया से पहले वहाँ डली हुई है। जिस सूचना पर पहुंचे प्रथम दृष्टा जो घटना स्थल देखकर ऐसा लगा कि किसी ने इसको मारा है। उसके बाद उसे पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद फिर उसकी जांच की गई कि ये आदमी रहने वाला अगरिया का साथ कौन था और किसी दुश्मनी है या किसी आखिरी स्टेप तक इसके साथ कौन रहा। उसके आधार पर पतारसी की गई। पतारसी के दौरान आखिरी में पता लगा इसके साथ आखिरी में अक्कू और आकाश नाम का जो आदिवासी है इसी गांव का, वो संग में था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।